Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Franklin, welcome back to another new episode of GTA 5. अब आप लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देख ही लिया होगा कि दोस्तों फ्रैंकलिन ने अपना था पूरा का पूरा जो है पेट कलेक्शन दिखाया था, जिसमें गाइस जितने अभी तक के पेट थे सब कुछ जितने भी हम लोगों ने बाय किए थे वही आप लोगों को सारे दिखाए थे हम लोगों ने। और गाइस अभी जो है फ्रैंकलिन अपना जो है एक तरह से शीशा दिख रहा है, भयंकर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। और गाइज इसकी रियलिटी में जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मतलब क्या कट्स हैं, आप लोग पीछे से देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त कट है, और डाइव लेते वक्त तो ये और ज़्यादा ही बढ़िया लगता है, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पेट कलेक्शन में मैंने अपने मिस किया दोस्तों हस्की को, और साथ ही में दोस्तों अपने जर्मन शेफर्ड डॉग को जो कि दोस्तों आर्मी में मारा गया था, बहुत ही ज़्यादा दुख लगा गाइज। और उसके बाद आप लोगों ने सारे पेट कलेक्शन हमारे देख लिए होंगे, माइकल से भी हमने जो है बाय कर लिए थे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है अपना पेट कलेक्शन बन गया था। अभी गाइज यहाँ पर जो है मैं बहुत ही बढ़िया से ड्रेस पहनने वाला हूँ, और आज हम दोस्तों ना ही फॉर्मल पहनेंगे ना ही कुछ, आज हम पहनेंगे दोस्तों ग्रीन गैंग के मेंबर जैसे एक तरह से कपड़े पहनने वाले हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अभी, ठीक है। तो जल्दी से गाइज अभी मैं यहाँ पर निकलने वाला हूँ ऊपर की तरफ में, तो जहाँ से आप लोग देख पा रहे हो हम लोग हमेशा बाहर से मतलब बाहर से स्विमिंग पूल साइड से एंट्री लेते थे, लेकिन गाइज अब हम लोग यहाँ से बाहर से एंट्री ले रहे हैं। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया एक कार चुरा लिए यहाँ पर, जिसको मैं बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि लैम्बोर्गिनी जो है बहुत दिनों से हम लोगों ने पिछली वाली चलाई है, तो आज हम ये वाली लैम्बोर्गिनी जो है चलाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा बढ़िया और लग्जरी लैम्बोर्गिनी है गाइज, एक तरह से रेवेंटन नाम है इस लैम्बोर्गिनी का, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कार है ये, आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो, मज़ा ही आ जाता है गाइज इसको चला के, ठीक है। तो अभी जल्दी से गाइज इसको मैंने स्टील कर लिया था, अब जल्दी से गाइज मैं निकलने वाला हूँ। आज का दिन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बाकी आप लोगों को थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज होने क्या वाला है, लेकिन कैसे होता है वो देखने के लिए जरूर जरूर प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और बाकी दोस्तों ये कार जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है और सिनेमेटिक मूड से दोस्तों दिखने में और ज़्यादा बढ़िया लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों जल्दी से मेरे को जाना है, तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा अपना जो है पेट कलेक्शन दिखा दिया है जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। अब गाइस फाइनली यहाँ पर जो है मेरे को कॉल आ रहा है अभी एक तरह से माइकल का, और माइकल का दोस्तों यहाँ पे कॉल आ चुका है, माइकल ने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है मेरे को, ठीक है। अब माइकल ने मेरे को बोला है कि बेलास गैंग ने हमको जो है चैलेंज किया है, वो भी चैलेंज किया है दोस्तों खुद से नहीं, डॉग फाइट से उसने हम लोगों को चैलेंज किया है। तो आज यहाँ पर दोस्तों आर या पार होने वाला है, तो माइकल के तीन डॉग को किसी ने उसने सेलेक्ट किया था, तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा हमारे पास तीन अपने डॉग्स कौन से हैं, तो मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, तीनों पिटबुल को दोस्तों हम लोग जो है लाने वाले हैं। और दोस्तों वहां से जो आगे कुत्ता रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों रॉटविलर, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा बिलास गैंग के पास हमेशा से रॉटविलर रहता ही है, और फाइनली दोस्तों इन बंदों को हमको बचा लेना है, अच्छा हुआ हमारे पास ये स्लो मोशन की एबिलिटी है फ्रैंकलिन के पास, जिसके कारण गाइज ये बच गए। चलो आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूड पे हूँ, तो हमारे जो डॉग्स हैं दोस्तों वो दोस्तों सिद्धू मूसे वाले के डॉग्स हैं, आप लोगों को पता होगा पिटबुल तीन जो थे, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डॉग्स हैं, ठीक है। लोकेशन मैंने मैप में मार्क कर दी है, तो अब जल्दी से गाइस उसी लोकेशन की तरफ मैं जल्दी से निकल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों माइकल खड़ा है। अब दोस्तों मैं सोच रहा था कि पेट कलेक्शन पे मैं पहले जाऊँ, वहाँ से तीनों डॉग्स को अपने साथ उठाऊँगा किसी ड्राइव में लेके आऊँगा, लेकिन गाइज यहाँ पर जो है एक तरह से माइकल ही उन तीनों डॉग्स को लेके वहाँ पे खड़ा हुआ है, जस्ट मेरे को ऑर्डर देने की ज़रूरत है इसलिए वो मुझे जल्दी से वहाँ पर बुला रहा है। तो जल्दी से गाइज अभी निकलते हैं। ओ भाई ये क्या सीन है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो एक 22 वो जो आप लोग देख पा रहे हो आगे की तरफ में बैटमैन की जो कार थी वो सामने की तरफ में खड़ी है, वो भी स्ट्रिप क्लब के सामने बियर एंड वाइन के पास, ठीक है। अब दोस्तों बियर एंड वाइन तो यहाँ पे बंद है, अब ये कार दोस्तों जो थी माइकल ने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी थी, यानी कि जो बेटी जो है वो है दोस्तों ट्रेसी, और ट्रेसी मेरी वाइफ है अभी, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख रहे हो इसको मैं चढ़ाता हूँ अभी, तो यहाँ पे देखो ये देखो गाइस सीटी बजा दी मैंने इसके आगे से और इसको चढ़ा दिया है। अभी दोस्तों ये ज़्यादा बात कर रहा है, एरिया से निकल यहाँ से, बहुत ज़्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ। और ट्रेसी की गाड़ी यहाँ पे करके आ रही है, मतलब दोस्तों उसकी सीक्रेट जॉब में तो तू फोटो खींचेगी मोटी कहीं की, निकल यहाँ से। तो यहाँ पर जल्दी से गाइस मैंने इसके भी एक मुक्का मार दिया है, ठीक है, निकल यहाँ से। तो अब जो है मेरे को ना गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो बियर एंड वाइन के शॉप में यहाँ पे करके आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे सीक्रेट चल रहा है इसका। और जस्ट दोस्तों आगे की तरफ में जो है दोस्तों स्ट्रिप क्लब है, नाम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे क्या लिखा है जूम करके। तो ये देखो गाइस ट्रेसी लिखा हुआ है, और ट्रेसी के साथ साथ में दोस्तों ये कार खड़ी है एकदम वनीला यूनिकॉर्न, यानी कि स्ट्रिप क्लब के आगे। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों फ्रैंकलिन को। अब देख सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि क्या सीक्रेट जॉब है। वैसे दोस्तों हम लोगों ने जब माइकल के पास था, माइकल के पास जब ट्रेसी थी तब क्या सीक्रेट जॉब थी, कैसे वो पैसे कमाती थी, वो मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है, ठीक है।
तो जल्दी से दोस्तों लैम्बोर्गिनी रेवेंटन में बैठते हैं और निकलते हैं गाइस अपनी डॉग फाइट पे। तो डॉग में दोस्तों कौन होने वाला है, पिटबुल होने वाला है एक तरह से फ्रैंकलिन के साइड से, और माइकल के साइड से रॉटविलर होने वाले हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डॉग्स हैं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों रॉटविलर हमेशा से आर्मी में यूज़ करता हुआ डॉग है, और बाकी दोस्तों पिटबुल मस्कुलर होता है बहुत ज़्यादा, और दोस्तों अपनी मस्कुलैरिटी से वो जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब में वीडियोज़ देखी होंगी बहुत ज़्यादा, वो मेरे को बचा लो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मतलब इतनी ज़्यादा आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी कि पिटबुल दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कारें खींचना है, इतना ज़्यादा मसल वेट लेके खींच रहा है। तो सच में दोस्तों पिटबुल में जान काफ़ी ज़्यादा होती है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे उन्होंने लोकेशन बताई थी वहाँ पे मेरे को जल्दी से पहुँचना है, और फिर दोस्तों पूरा वीडियो जो है एक तरह से डॉग फाइट से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ दिल थाम के बैठिए, वीडियो को छोड़ के मत जाना, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो फाइनली अभी रोड क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग देख पा रहे हो लगातार कितने ज़्यादा तेज चल रहे हैं। अच्छा हुआ फाइनली मैं यहाँ से निकल गया, वरना मेरे को ये ठोक देते। अब जल्दी से गाइस मैं यहाँ पे निकलता हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दो, लाइक एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स का, आशा करता हूँ आप लोग ये पूरा कर दोगे। और साथ ही साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो ऐसे GT5 की रोजाना वीडियोस देखने के लिए शार्प एट 11 AM पर, ठीक है। बाकी दोस्तों सारी डिस्क्रिप्शन जो है आप लोग चेक कर ले, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम अपनी स्टाइल में यहाँ पर आ चुके हैं, तीनों पिटबुल खड़े हैं और बिलास गैंग के तीनों रॉटविलर खड़े हैं, लेकिन फ्रैंकलिन जो है अपनी स्टाइल से यहाँ पे खड़े होने वाला है। ओ हो आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जल्दी से अभी लैम्बोर्गिनी को मेरे को नीचे रख लेना है। अब जल्दी से गाइस क्या करना है, यहाँ पर माइकल सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा है, मतलब ये माइकल का ऑर्डर नहीं सुनते हैं, क्योंकि गाइस ये डॉग्स जो हैं वो सारे के सारे मेरे हो चुके हैं, और गाइस ये सिर्फ जो है मेरी ही बात सुनते हैं। बाकी दोस्तों मैंने बेलास गैंग को यहाँ पर बोल रखा था कि मेरे जो तीनों पिटबुल हैं वो एक एक करके तुम्हारे डॉग से लड़ने वाले हैं। अब देखते हैं गाइस ये जो रॉटविलर्स हैं ये जंगली रॉटविलर्स हैं, और गाइस इनको देख के मेरे को अपनी चॉप की काफ़ी ज़्यादा याद आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो भाई खूनी दरिंदे, तेरे को मैं ना आज बहुत मारने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बिलास गैंग के मेंबर काफ़ी ज़्यादा क्लैप वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा मतलब एक तरह से चीयर वगैरह कर रहे हैं अपने डॉग्स को कि हाँ फाइनली मार दो। अब शर्त इन्होंने ऐसी रखी है दोस्तों कि अगर जो कोई जीता वो उसकी कार वगैरह सारी की सारी ब्लास्ट कर देगा, सब जो यहीं पर मारे जाएंगे। अब मुझे पता है ये छोटी सी फाइट दोस्तों इतनी बड़ी वॉर को एंड कभी नहीं कर सकती, चलो एक फॉर्मेलिटी के लिए हम भी लड़ लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो लेट्स बिगिन दोस्तों, हमने अपना पहला डॉग भेज दिया है, बाकी आप लोग देख पा रहे हो तून ओ भयंकर रॉटविलर ने पहला अटैक करते ही दोस्तों पिटबुल को जो है नीचे गिरा दिया है, दूसरा अटैक करते ही दोस्तों पिटबुल फिर नीचे गिर चुका है। मतलब दोस्तों रॉटविलर पिटबुल को उठने नहीं दे रहा, तेरी ऐसी की तैसी बहुत देर हो गई है ना, अब बारी है दोस्तों एक तरह से पिटबुल की। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो छोड़ ही नहीं रहा, उठने ही नहीं दे रहा है गाइज, ये होता है बहुत ही खतरनाक मूव। मतलब इस वाले में लड़ाई में ऐसा है अगर पिटबुल ने एक बार नीचे गिरा दिया तो गाइज फिर पिटबुल छोड़ता नहीं है, और उसी को दोस्तों वहीं पर जो है ख़त्म कर देता है। तो पहली फाइट बहुत जल्दी एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मतलब पिटबुल ने पहला डॉग जो है मार दिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, और ये फाइट कम से कम मेरे ख्याल से 20 सेकेंड भी नहीं चली और हमने पिटबुल ने पहली फाइट जीत ली है। बचे दो डॉग, तो व्हाइट वाले की जल्दी से दोस्तों फाइट कर देते हैं। तो लेट्स बिगिन, तो यहां पे मैंने इसे छोड़ दिया, बाकी आप लोग देख पा रहे हो जाते ही दोस्तों जो है व्हाइट पिटबुल ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया, तेरी ऐसी की तैसी आप लोग देख पा रहे हो सबको दोस्तों लगातार मारते जा रहा है, मतलब जिस डॉग से, और साथ ही साथ में बेलास गैंग को भी मार दिया, बहुत बढ़िया व्हाइट पिटबुल मार जितना मार सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अब रॉटविलर थोड़ा सा जो है एक तरह से ले रहा है एंट्री, और बाकी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो दोनों को गाइस बहुत ज़्यादा लग पा रही है, ठीक है। ये देखो गाइस एक बार और यहाँ पर पटक रहा है लगातार, लगता है दोस्तों व्हाइट वाला थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन गाइस फिर से यहाँ पर जो है पिटबुल ने दोस्तों जो है लीड ले ली है। और गाइस आप लोग देख पा रहे हो दो बार में दोस्तों मतलब उठने नहीं देता, ये जो है उसका लास्ट वाला मूव रहता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो लास्ट वाला पिटबुल रहेगा जो ब्राउन पिटबुल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि गाइस इसका जो कलर है और गाइस जो इसकी फिजिक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप लोग देख पा रहे हो। और गाइस मेरे ख्याल से जो इनका रॉटविलर है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो गाइस जो ये पिटबुल डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और मतलब इनका जो रॉटविलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सह ले रहा है इसके वॉर को, और बाकी जाते जाते देख सकते हो आप लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर दोनों लगातार भागते आ रहे हैं। ओ भयंकर रॉटविलर ने क्या मारा है दोस्तों पिटबुल को, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डॉग्स हैं। अब दोस्तों रॉटविलर भी उठने नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो बार बार दूर जाके गिर रहे हैं, स्लो मोशन आप लोग देख पा रहे हो,
जैसे ही झपटा पिटबुल, उसने जो है डॉच कर दिया और फाइनली दोस्तों फिर से गिरा दिया एक तरह से पिटबुल ने रॉटविलर को। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो। अच्छा हुआ दोस्तों, फिर से दोस्तों वही वाला जो है मूव ये मार रहा है जिसके कारण दोस्तों जो है रॉटविलर उठ नहीं पा रहा है। मतलब दोस्तों ये वाला जो रॉटविलर था ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था और अग्रेसिव भी था एज़ कम्पेयर टू माई पिटबुल। लेकिन गाइज यहाँ पर फाइनली हमारे सिद्धू मूसे वाले के पिटबुल से कोई भी नहीं जीत सकता। आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो, लगातार गाइज हम लोगों ने इनको मार दिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइज, ठीक है। मतलब ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फाइट थी। अब दोस्तों बैलास गैंग के जो है लगने वाले हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो इनकी फट भी रही है। इन्होंने जैसा वादा किया था कि मैं इनकी जो है कार वगैरह सारी की सारी ब्लास्ट कर दूंगा और गाइज मेरे को सारे के सारे डॉग्स जो है फॉलो करने लग रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो तेरी ऐसे कहते तुम लोग क्या डिजर्व करते हो, मैं इनको दिखा देता हूँ अभी। और साथ ही में हमें गिफ्ट में मिला है एक रॉटविलर जिसको दोस्तों हम लोग जो है चॉप जैसे यूज़ करने वाले हैं। और इस वाले चॉप को दोस्तों हम लोग जो है ग्रीन पट्टा पहनाने वाले हैं, ठीक है, जिससे दोस्तों अपने चॉप की हमको फीलिंग आएगी। तो चॉप भी हम लोगों को मिल चुका है, बाकी ये जाए सब भाड़ में। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो भाई कूदो जितना कूदना है। बाकी दोस्तों मैं अपनी यहाँ पे मिसाइल वे निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इनकी सारी की सारी कारें जो है ब्लास्ट कर देता हूँ। मतलब ये छोटा सा जो इन्होंने नाटक किया है ना, वैसे इनसे हमारी जो है दुश्मनी तो एंड होने नहीं वाली, लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी इन्होंने रची थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी और जिसके कारण हम लोग जो हमारी डॉग फाइट भी हुई और हम लोग जीत गए। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताओ। लाइक एम पूरा कर देना 400 लाइक का, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर लो। इंस्टाग्राम पर फॉलो @23 जॉर्डन गेमर के नाम से हूँ। सारे जितने लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके अभी जाके मुझे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन गुड बाय।